चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन के ऊपर। तो फिजिक्स में यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 अभी तक हमने कंप्लीट करी है। ओके, तो यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर टू के अंदर सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। एक न्यूमेरिकल का सेक्शन हमारा बाकी था, उसे हम लोग अलग से कर लेंगे, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म इस यूनिट का नाम है। इस यूनिट की बात करें तो यहां से 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन मिलाकर पूछे जाएंगे। इस यूनिट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की संख्या यहां से 4 आने वाली है, उसके बाद 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, 4 ऑब्जेक्टिव और 1 2 नंबर का क्वेश्चन मिलाकर 6 नंबर का इसका वेटेज हो जाता है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये यूनिट का नाम है और ये जो वेटेज आप देख रहे हो ये भी यूनिट का है। अगर हम बात करें इस यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने को मिलेंगे, तो यहां से आपको 2 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे, जो है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 5 का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये दोनों दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा छोटे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है चैप्टर में। ओके, इजी चैप्टर्स हैं, आसानी से ये समझ में आ जाएंगे आपको। आगे हम बात करते हैं रिड्यूस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, क्या क्या यहाँ से रिड्यूस हो चुका है, तो यहाँ से साइक्लोट्रॉन और टोरॉइडल सोलेनोइड। चैप्टर नंबर 4 की हम बात करें तो यहाँ से 2 टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, साइक्लोट्रॉन वाला रिड्यूस हो गया और टोरॉइडल सोलेनोइड जो था वो भी रिड्यूस हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं, यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिट में 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का अलग से वीडियो बनाएंगे, वहां पे बात करेंगे। ओके, पहले चैप्टर नंबर 4 को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 पे हम लोग मूव करेंगे। आगे बात समझ में आप सबको, आगे बढ़े भैया। तो टॉपिक की बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने हैं। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर आपको ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ने को मिलेगा। 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट ये हो सकता है, 2 नंबर के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, तो बायो सेवर्ट लॉ आ जाएगा। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ आपको पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ आपको पढ़ाएंगे। ओके, उसके बाद लोरेंज फोर्स रहेगा, फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल आ जाएंगे। ओके, उसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग। ठीक है, शंट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगाएंगे कुछ। ठीक है, 2 नंबर वाले। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी हम लोग करने वाले, क्योंकि 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेंगे। तो भैया 4 ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी हमें करने पड़ेगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग क्वेश्चन बैंक प्रिफर करेंगे। ठीक है, जब परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन आ जाएगी, परीक्षा परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन आ जाएगी। ठीक है, तो परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन से हम लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग प्रिफर करने वाले। ओके, तो उस तरह से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से हमें ऑस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था उसे पढ़ना है। ओके, तो क्या था ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था, पहले आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी एक बार पढ़ा देते हैं आपको, उसके बाद समझाएंगे इसको। तो इन 1820 1820 की बात ही है, एक डेनिश फिजिसिस्ट थे। ठीक है, मतलब डेनमार्क के रहने वाले थे, तो उन्हें बोला जाता है डेनिश के फिजिसिस्ट, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड इनका नाम था। क्या किया इन्होंने, डिस्कवर्ड दैट देयर वॉज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी देयर वॉज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इन्होंने क्या बताया, एक रिलेशन को बताया, किस किस के बीच में रिलेशन, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन को बताया, बाय सेटिंग अप अ कंपास थ्रू अ वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने क्या किया है, कंपास को लेके आए। कंपास क्या होता है, जिसमें नॉर्थ साउथ पोल होते हैं ना, उस टाइप से कंपास होता है। तो कंपास उन्होंने लेके आए थ्रू अ वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। अब उनके पास एक वायर था जिसमें करंट बह रहा था, ठीक है, मतलब चार्ज बह रहा था, जिसे हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। तो करंट कैरिंग, ठीक है, वायर उन्होंने लेके आए, तो भैया इस वायर में करंट है। ओके, तो अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही कंपास को इसके पास उन्होंने रखा, एक करंट कैरिंग वायर को, ठीक है, और कंपास को, दोनों को पास पास रखा, तो क्या मिला उन्हें, ऑस्टेड शो दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो करंट के अंदर क्या होते हैं, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से
उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। कैसे पता लगा? क्योंकि ये जो हमारे पास कंपास था, इस कंपास ने डिफ्लेक्शन शो किया। क्या शो किया? डिफ्लेक्शन शो किया। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन शो किया इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट बाय द करंट गोज इन सर्कल्स अराउंड द वायर। और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनी होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी, सर्कुलर फॉर्म में वो होगी। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में वो होगी। तो ये बात किसने बताई? ऑस्टेंड ने बताई। कैसे पता चला? तो भैया कंपास में डिफ्लेक्शन शो हुआ। अब डिफ्लेक्शन शो हुआ, नीडल थोड़ी बहुत इधर उधर मूव हुई, तो समझ गए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरह से उन्होंने रिलेशन बताया करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में। ठीक है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आया समझ में? ओस्टेड का नियम 2 नंबर में आएगा, तो आप सभी लोग लिख सकते हो। ओके, चलिए, तो ओस्टेड से हमने शुरुआत कर दी है मैग्नेटिक फील्ड की। आगे हम बात करेंगे अगले नियम के ऊपर, बायो सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, बायो सेवर्ट्स लॉ। ये चैप्टर काफी इजी चैप्टर है, फटाफट हम लोग फिनिश भी कर लेंगे इस चैप्टर को। ओके, आने वाले चैप्टर्स काफी लेंदी हो जाएंगे हमारे लिए, तो इसको फिनिश करना हमारे लिए बड़ी बात है, तो इसको फटाफट फिनिश करेंगे और अगले चैप्टर पे हम लोग मूव करेंगे। ओके, ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है। तो अगला जो हमारे पास लॉ आता है वो है बायो सेवर्ट लॉ। इसको आपको पढ़ा देते हैं 2 नंबर के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे 3 नंबर में आया करता था ये, लेकिन 2 नंबर में भी आया आया जा सकता है और ऑब्जेक्टिव तो बन ही सकता है यहाँ से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है बायो सेवर्ट लॉ? तो फिर से आप लोग ये थ्योरी वगैरह पढ़ लेना, जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो आपको बता देते हैं। तो देखिए, बायो और सेवर्ट दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या फाइंड किया कि एक वायर आप लोग ले लीजिए, इस तरह से एक वायर बना लिया हमने। ठीक है, वायर कैसे ही हो सकता है, मुड़ नहीं सकता क्या? वायर वायर मुड़ सकता है हमेशा, वायर ऐसा नहीं होता है, वायर ऐसा वैसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा वायर है। क्या ये हमारा वायर है? तो वायर को बोल देते हैं भैया ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों पॉइंट को, ये पॉइंट एक्स, ये पॉइंट वाई। तो ये हमारा एक्स वाई क्या हो गया? वायर हो गया। अब इसमें से हम लोग करंट को फ्लो कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग इसमें से करंट को फ्लो कर देते हैं, आई करंट को हमने फ्लो किया। अब आपको बता दें इस वायर की कुछ लेंथ हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो इस वायर की लेंथ कितनी मान लेते हैं हम लोग? भैया यहां से लेकर और यहां तक इसकी जो लेंथ बनेगी वो एल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एल इसकी लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ कितनी हो गई? एल, और आई इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालनी हो, इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर हमें निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? एक छोटा सा आपको एलिमेंट काटना होगा इस वायर से। छोटा सा हिस्सा आप ले लीजिए, लाइन एलिमेंट इसे बोलते हैं। एक छोटा सा हमने हिस्सा काट लिया, इसकी वजह से, इस छोटे से हिस्से की वजह से जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, उसकी वजह से यहां पर इतनी दूरी पर, इस पी पॉइंट की दूरी को हम लोग आर मान लेते हैं। तो इस पर जितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलेंगे हम लोग, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो इस पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसे हमें निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो इतने छोटे से एरिया की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी बनेगी, उसको हम लोग छोटा सा डीबी बोल देंगे। ठीक है, बी मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डीबी क्या हो जाएगी? छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड। और ये छोटा सा जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीएल बोलेंगे। पूरा पूरा हिस्सा हमारे पास एल है, छोटा सा हिस्सा अगर हम लोग लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे डीएल। डी जब भी लग जाता है तो छोटा सा हिस्सा वो बन जाता है। अच्छा, तो छोटे से हिस्से की हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकाल ली। अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे से हिस्से को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस वायर एक्स वाई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये बात होती है। तो अभी हमारा टारगेट ये है कि इस डीएल की वजह से इसके ऊपर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी पॉइंट के ऊपर, वो निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया हमने, तो बाकी कहानी हमारे सिंपल हो जाएगी, बस जोड़ना रहेगा। तो एक काम करते हैं, इसके बीच का जो एंगल है, ठीक है, ये जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है और साथ में ये जो पी है, इनके बीच का जो एंगल है इसको हम लोग थीटा बोल देते हैं। ठीक है, थीटा हमने इस एंगल को बोल दिया। ठीक है, थीटा इस एंगल को हमने बोल दिया। तो अब इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई तो सारी कहानी सिंपल है। फिर से देख लीजिए, हमारे पास आई क्या है? करंट है। ठीक है, डीएल हमारे पास एक लाइन एलिमेंट है छोटा सा। ठीक है, लाइन एलिमेंट किसका? इस वायर का छोटा सा एक हिस्सा है। आर दूरी है इस पी पॉइंट की जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, आर हमारे पास दूरी है। डी हमारे पास, थीटा क्या है? हमारे पास एंगल है। डीएल और डीबी के बीच का जो एंगल है उसको डी थीटा बोल रहे हैं। अभी थीटा बोल देते हैं हम लोग, ये जो थीटा एंगल है वो हमारे पास एंगल है। आया इतनी बात समझ में आप सबको? इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब हम लोग
बायो सेवर्ट का जो नियम है उसे समझ सकते हैं। चलिए इतनी बात आपको समझा दी, आगे बढ़ेंगे, थ्योरी काम करते पढ़ ही लेते हैं, ओके, फिर पूरी कहानी यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। लेट एक्स वाई बी अ कंडक्टर, कंडक्टर कैरिंग करंट आई, कंसिडर अ स्मॉल लाइन एलिमेंट, लाइन एलिमेंट डी एल, डी एल हमारा लाइन एलिमेंट हो जाएगा, छोटा सा हिस्सा ऑफ दिस कंडक्टर। लेट बी placed inside the magnetic field of a conductor at a distance r from x y, then according to Bio Savart, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे, the intensity of magnetic field, the intensity of magnetic field जिसको हम लोग b बोलते हैं, is directly proportional to the amount of current। अब हम लोग intensity of electric field किसके लिए निकाल रहे हैं, छोटे से हिस्से के लिए निकाल रहे हैं, तो हम लोग इसको dB बोलेंगे, तो dB जो होगा वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा करंट उतना हमारा dB बनेगा, ठीक है। उसी तरह से सेकंड की अगर हम बात करें, जितना बड़ा हमारा dL होगा, जो छोटा सा हिस्सा हमने ले रखा है, अगर आप इसको बड़ा करते जाओगे तो हमारा dB भी बड़ा होता जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी हो जाएगा। और आगे देखिए थर्ड वाले पॉइंट में हमें क्या बोला जा रहा है कि जो dB है, dB जो है वो क्या है, वो जो थीटा हमने लिया था, उसका साइन ले लो आप लोग, साइन ले लो, तो क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा बन जाएगा, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होगा, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू द करंट डीएल एलिमेंट, ठीक है। तो डीएल और डीबी के बीच का जो एंगल, उसको हम लोग थीटा बोल रहे थे, ओके, तो उसका साइन ले लो आप लोग, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। ये हमने समझ लिया तीनों पॉइंट से। अब आपको क्या करना है भैया, अगले स्टेप एक काम करते हैं, अगले पेज पर निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, यहीं पर ही बता देते हैं आपको, ठीक है, जाना समझ में आ जाएगा। अब हम लोग अगले स्टेप क्या करेंगे, अब हम लोग अगले स्टेप में क्या ले लेंगे, हमारे पास आई हो गया, डीएल हो गया, साइन थीटा हो गया, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आर की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको पूरा डिराइव कर लेंगे, ठीक है, एक लाइन में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे इसे। तो आर की भी बात कर लेते हैं, आर मतलब क्या है हमारे पास, आर हमारे पास दूरी है, ठीक है, क्या है हमारे पास, दूरी है, एक P पॉइंट जो था हमारे पास, वहां से लेकर एक DL जो एलिमेंट हमने काटा था उस तक की, ओके, तो ये क्या होगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1 by r square, ठीक है, इनवर्सली मतलब r square, ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको बताएंगे। तो dB जो होगा इस समय वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे r square के, ओके, तो ये रहेगा हमारे पास। तो अब हमारे पास जो तीनों चीजें आई हुई है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, अब इनको आप लोग कंबाइन कर दीजिए और कहानी यहाँ पर फिनिश हो जाती है, ठीक है, जो लॉजिक लगाना था वो सारा लॉजिक हमारा लग चुका है। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, I dL sin थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, r स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अब आपको ये भी पता है कि जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, तो क्या आता है हमारे पास, एक कॉन्स्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, के बोल देते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, के बोलेंगे, ठीक है। जितनी बात आपको समझ में आ गई, उसके बाद आगे बढ़े, वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन मेजरमेंट सिस्टम एंड फिजिकल मीडियम, ठीक है, फॉर SI सिस्टम एंड एयर और वैक्यूम की अगर हम बात करें तो के की जो वैल्यू होगी वो होगी μ/4π, k की वैल्यू हो जाएगी अगर आप बात करो एयर और वैक्यूम की, ओके। चलिए तो अब हमें k की वैल्यू लिख देनी है, यहाँ पर μ0/4π लिख देना है, जिस प्रकार से हम लिखते थे 1/4π ε0, 1/4π ε0, उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी μ0/4π, ठीक है, तो इसी तरह से हमें यहाँ पर लिखना रहेगा। तो जैसे ही आप लोग ये लिखोगे और आपके पास एक डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको कुछ इस तरह से, और ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा फाइनल। इसको आपको याद कर लेना है, सबसे जरूरी बात, इसको आपको याद कर लेना है, ओके, याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सारी कहानी यहीं से चलेगी अब, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ हुआ करता था कूलम्स का, उसी तरह से ये यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो डीबी इज इक्वल टू μ0/4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई, वेयर μ0 इज कॉल्ड परमियबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब μ0 का नाम दे दिया उन्होंने, क्या दे दिया, परमियबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मीडियम या फिर फील्ड बोल दो, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आपको इसको याद कर लेना है, सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करा आपने, आई डी एल और क्या लिया, साइन थीटा
और क्या लिया आपने, वन अपॉन आर स्क्वायर, ये याद कर लो, ये याद कर लो। और इसके बाद ये सारी चीज लिख दो आप लोग, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर लिख दिया आपने, और ये तो कॉन्स्टेंट है म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो इस तरह से आप लोग इसे लिखेंगे, ठीक है, आ गया आप सभी को समझ में। तो आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो बायो सेवर्ट लॉ तो आपको समझा दिया हमने, अब आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ की। तो हम लोग तीन प्रकार की एप्लीकेशन इसके देखते हैं, मतलब तीन डेरिवेशन हम लोग देखते हैं अगर सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट अ सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है, सेंटर पे हम लोग निकालते हैं। उसके बाद सेकंड में हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे होता है हमारे पास एक्सियल के ऊपर। उसके बाद थर्ड में हम लोग बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ये हमारे पास तीन डेरिवेशन हुआ करते हैं, जिसमें एक हमारे पास सर्कुलर कॉइल होती है। सर्कुलर कॉइल की वजह से हमें सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी होती है। और एक बार हमें सर्कुलर कॉइल जो हमारे पास है उसकी वजह से एक किसी पॉइंट के ऊपर, एक्सिस के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी होती है। थर्ड वाले में हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। तो ये तीन प्रकार के डेरिवेशन हमारे पास होते हैं। लेकिन जिस प्रकार की ब्लूप्रिंट इस बार आई हुई है हमारे पास कि यहाँ से सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो वैसे में ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि ये 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तब जाके इससे चांसेस बनते हैं, बाकी इससे क्वेश्चन नहीं आता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है। आगे हम बात करें तो यहां से ये जो सेकंड वाला है, यहां से भी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 2 नंबर के लिए इतना बड़ा डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेंगे। ओके, अब हमारे पास सिर्फ ये वाला डेरिवेशन बचता है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और साथ साथ आगे आपको काम भी आएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करेंगे भैया हम लोग कहाँ से, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और यही स्टार्ट करेंगे और इसी को फिनिश करेंगे, बाकी दो को हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट अ सेंटर ऑफ द लूप। फिर आपको समझाते हैं इसको क्या चीज है ये। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, इस प्रकार का एक वायर है आपके पास, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में आपने एक वायर ले रखा है। ये जो वायर है ये सर्कुलर फॉर्म में आपके पास है, तो अब आपने क्या किया, इसमें आपने करंट को फ्लो करवा दिया। मान लीजिए इस प्रकार से वायर है, थोड़ा सा इसमें बीच में गैप रखेंगे ताकि करंट हम आसानी से फ्लो करवा सकें। मान लीजिए आपने यहां से आई अमाउंट ऑफ करंट पास करवाया। ओके, तो करंट पास करवाया आपने, तो इस तरह से ये पूरी रिंग के अंदर घूम जाएगा। ओके, ये यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। तो करंट इस प्रकार से घूमेगा। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारे पास निकालनी रहेगी। तो हमें बोला जा रहा है कि आप सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल के बताइए हमें, कहाँ पे, सेंटर के ऊपर, ये बात हमसे पूछी जा रही है। ओके, चलिए तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये जो पूरी रिंग है, रिंग बोल सकते हैं हम लोग, इस पूरी रिंग को हमें छोटे छोटे भागों में इसे विभाजित कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है। मान लीजिए यहां से लेके यहां तक ये ए बी है, यहां से यहां तक ये बी सी है, ये सी डी है, ये डी ई है, ये डी ई एफ है, और ये एफ जी है। इस तरह से आप लोग इसको पूरा तोड़ लीजिएगा, मतलब छोटे छोटे लाइन एलिमेंट में आपको इसे ब्रेक कर लेना है। क्यों ब्रेक कर लेना है, क्योंकि हमने जो बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वो डीएल के लिए एप्लीकेबल था, छोटे से हिस्से के लिए एप्लीकेबल था। इस हिसाब से हम इसको पूरे को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे रिंग के लिए हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल जाएगी। ओके, चलिए तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओके, तो अब इसको अच्छे से बना लेते हैं, अब इसको अच्छे से बना लेते हैं, देखेंगे आप लोग फिर से। ये मान लीजिए हमारे पास अपना वायर है सर्कुलर फॉर्म में। ओके, सर्कुलर फॉर्म में वायर है ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, बिल्कुल इसके बीच में छोटा सा गैप है ताकि हम इसमें करंट आसानी से फ्लो करवा सके। तो आई अमाउंट ऑफ करंट हमने इसमें पास करवाया, ठीक है, आई करंट हमने इसमें पास करवाया, ये जो करंट होगा वो पूरी रिंग के अंदर घूम जाएगा, इस तरह से घूम जाएगा आई अमाउंट ऑफ करंट हमारा। ये मान लीजिए इसका सेंटर है, जिसको हम लोग ओ बोल देते हैं। ओके, अब हमने क्या कर रखा है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ब्रेक कर रखा है, यहां से यहां तक ए बी,
यहाँ से बी सी, ये यहाँ से सी डी, यहाँ से डी ई और ये ई एफ। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर दिया छोटे छोटे लाइन एलिमेंट्स में। अच्छा, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक लाइन एलिमेंट को ले लेंगे, वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक की हम दूरी मान लेते हैं आर, आर हम लोग यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं। अच्छा, हमने आर जो मान रखा है, क्या ये इसके रेडियस भी हो जाएगी क्या? बिल्कुल, तो आर यहाँ पर हमारे पास रेडियस भी हो जाएगी और आर हमारे पास दूरी हो जाएगी। आर हमारे पास दूरी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? ओ से लेकर बी तक की, मतलब ए बी तक की, ओ से लेकर ए बी तक की हमारी दूरी हो जाएगी। आप कहीं से भी ले लो, सभी जगह पर आर ही आएगा आपके पास, क्योंकि ये रेडियस है हमारे पास। ठीक है, तो सभी जगह पर आर ही आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई भैया? ओके okay. उसके बाद एंगल हम लोग मान लेते हैं। एंगल हमें बताना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो बायो सेवर्ट लॉ बोलता है उसमें थीटा भी आता है। तो थीटा क्या बनेगा? हमारा डीएल और हमारा रेडियस के बीच का एंगल। तो देखिए, ये हमारे पास डीएल है, यहाँ पर हमारे पास डीएल है और इस प्रकार से हमारा आर जा रहा है। तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल हमारा रहेगा। तो ये जो एंगल है आपको क्या दिख रहा है, अगर आप इसको अच्छे से देखो तो यहाँ पर जो छोटा सा एंगल यहाँ पर जो बन रहा होगा, ठीक है, वो किस प्रकार से बन रहा होगा? आर कुछ इस तरह से जा रहा है और हमारा जो डीएल है वो कुछ इस प्रकार से। तो इसके बीच का अगर आप लोग एंगल देखोगे तो यहाँ पर थीटा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का आएगा। कितना आएगा? 90 डिग्री का हमारा थीटा एंगल आएगा। कितना डिग्री का आएगा? 90 डिग्री का आएगा। ओके, तो अगर हम लोग ए बी के लिए छोटी सी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगी? फॉर्मूला क्या बोलता है? म्यू नॉट बाई फोर पाई। उसके बाद क्या आता है? म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल, यहाँ पर लिखेंगे आई डी एल। उसके बाद हम लोग लिखते हैं साइन थीटा अपॉन में क्या आता है हमारे पास? आर का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, आप लोग सभी इसको याद कर लेना। ओके, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा, तो ये हमारे पास बायो सेवर्ट के लॉ के अनुसार डीबी के लिए फॉर्मूला इस प्रकार से आता है। अगर हम लोग इस डीएल की जगह पर यहां पर हम लोग ए बी लिख देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा ए बी के लिए। ठीक है, इतने से सेक्शन के लिए, ए बी के लिए। ओके, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो साइन 90 कितना होता है? 1 हो जाता है। तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, साइन 90 1 होता है। तो आप चाहो तो इसका 1 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको स्किप कर दो। तो हमारे पास ए बी के लिए ये आती है हमारे पास क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से अगर आपसे बोले बीसी के लिए क्या आएगी भैया, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग इस तरह से बोलोगे कि यहां पर ए बी की जगह पर बी सी आ जाएगा, उसी तरह से सी डी आ जाएगा। तो ये रहेगा आई, यहां पर आ जाएगा बी सी अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। तो आया आपको समझ में? इस तरह से हम लोग सबके लिए निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी। सबके लिए नहीं निकालना है, एक दो के लिए निकाल देना, उसके बाद इस तरह से लिख देना। अब आपको नोट्स दिखा देते हैं किस तरह से आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो आपने ए बी के लिए निकाल लिया, बी सी के लिए निकाल लोगे, सी डी के लिए निकाल लोगे, इस तरह से कर लेना। यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ेंगे आप लोग सभी यहाँ पर। सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लाइन बी सी एंड सी डी। तो बी सी के लिए हमने इस तरह से निकाला, सी डी के लिए इस तरह से निकाला। उसी तरह से आप लोग इस तरह से डॉट 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 बना देना, तो समझ जाएंगे वो कि हाँ भैया इन्होंने आगे तक बता दिया है हमें। नहीं तो पूरा लिखने बैठोगे तो आप लोग पूरा साल भर लग जाएगा आपके लिए और तब भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे लाइन एलिमेंट हमने लिए हैं यहाँ पर। तो ये रहेगा, इस तरह से आप लोग लिख देना। बाद में क्या करोगे, इसको सबको जोड़ दोगे। अरे छोटे छोटे पार्ट्स आपने तोड़ लिए, हम इनको सबको जोड़ दो। ठीक है, जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जोड़ने के लिए आप चाहो तो इंटीग्रेशन कर दो या फिर समीशन कर दो, मतलब दोनों का एक ही होता है। समीशन मतलब भी जोड़ना और इंटीग्रेशन मतलब भी जोड़ना। तो डीबी का अगर आप लोग समीशन करोगे तो क्या आएगा? छोटा सा डीबी जो रहेगा तो वो बी बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? ये बी बन जाएगा। उसी तरह से आप लोग यहां पर देखिए, यहां पे आ जाइए नीचे वाली लाइन में। तो यहाँ पर आपको DB1 जोड़ना रहेगा, DB2 जोड़ना रहेगा, DB3 जोड़ना रहेगा। इस तरह से DB1, DB2, DB3 सबको जोड़ देना। तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमने क्या किया, यहाँ पर सभी को जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने DB1, DB2, DB3 सभी को जोड़ दिया है। जोड़ने का तरीका आप समझ गए, आपको समीशन कर देना है। ओके, तो समीशन जैसे ही आप लोग करोगे, समीशन आप लोग करोगे तो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो DB1, DB2 और DB3 इनकी वैल्यू जो आएगी वो आप लोग यहाँ पर रख दोगे। ओके, तो सबकी वैल्यू सेम ही आएगी, बस चेंज क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर ए बी आ जाएगा, यहाँ पर बी सी आ जाएगा, यहाँ पर सी डी आ जाएगा।
ओके, तो ये रहेगा। उसके बाद क्या होगा, इसको भी आप लोग इंटीग्रेट कर दीजिए या फिर आप लोग इसका समेशन कर दीजिए। तो ये जो छोटा सा डीबी होगा वो क्या बन जाएगा, वो बी बन जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे डीबी को आप लोग जोड़ोगे तो बड़ा सा बी बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सभी जगह पर बी आएगा, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पर करेक्शन कर दिया है हमने, ओके, लेकिन आप लोग यहाँ पर सभी जगह पर करेक्शन कर लेना। ओके, चलिए, तो आप लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर म्यू नॉट बाय 4 पाई I और आर स्क्वायर, ये जो रहेगा ये सभी जगह पर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, मतलब सभी जगह पर बराबर इसकी वैल्यू है, तो ये सभी जगह पर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, कॉमन आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, कॉमन चीज को हम लोग बाहर फेंक लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ये सारी चीज बाहर निकल गई, अब हमारे पास अंदर क्या बचा वो देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर ए बी बी सी और सी डी, ए बी बी सी सी डी, ये हमारे पास बच गया। इसी तरह से डी ई एफ बच जाएगा हमारे पास। एक तरह से आप लोग देखोगे तो क्या आएगा, अगर आप लोग सर्कल फिर से बनाओगे तो सर्कल में जो हमने माना था ए बी बी सी सी डी, ठीक है, तो ये सब आप लोग जब जोड़ते जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सर्कल का सरकमफेरेंस आ जाएगा। सर्कल का सरकमफेरेंस आ जाएगा, और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या आता है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या आता है, तो आप क्या बोलते हो, 2 पाई आर आता है, 2 पाई आर। ठीक है, सरकमफेरेंस हमें लेना है, एरिया से कोई मतलब है नहीं हमें। ठीक है, हमें सरकमफेरेंस लेना है, तो सरकमफेरेंस क्या आएगा यहाँ पर, 2 पाई आर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पाई आर लिख देंगे। ओके, 2 पाई आर लिख देंगे। 2 पाई आर आप लोग जैसे ही लिखोगे वैसे ही ये आर से यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आई आ जाएगा, अपॉन में आर आ जाएगा, और इस तरह से ये बन जाएगा। ओके, चलिए, तो यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाता है, यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाता है। लेकिन 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 आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से 2 और पाई को भी इस तरह से कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन ऐसा आप लोग कर सकते हो, लेकिन ये जो तरीका है ये तरीका अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हमारे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई जो होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो हम चाहते हैं कि इसको तो इसी तरह लिखा रहने दे, बाकी जो दूसरी चीजें हमारे पास आ रही है उसमें हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर दे। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस तरह से इसको लिख देते हैं, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बनता है। अच्छा, तो ये हमारे पास हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अगर मान लो हमारे पास जो सर्कल था, सर्कल मतलब सर्कुलर रिंग जो हमारे पास थी, उसके अंदर हमने टर्न्स बढ़ा दिए। टर्न समझते हो आप लोग, जो इस प्रकार से जो टर्न है हमारे पास, ये जैसे हमारे पास एक टर्न हो गया, इसके बाद एक और टर्न वायर का हमने बना दिया, एक और टर्न बना दिया, एक और टर्न बना दिया, तो ये हमने क्या करा, हमने टर्न्स को इंक्रीज कर दिया। तो मान लो हमारे पास जो वायर है उसमें एन नंबर ऑफ टर्न है, एन नंबर ऑफ टर्न है, तो हम लोग क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन एक ये भी बन जाता है। ओके, तो अगर आपके पास एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो आप लोग एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखोगे। ओके, ये रहेगा, यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रखते हैं, आने वाले वीडियो में आने वाले टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे।